लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सांप को देखकर तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के इस नेता ने बिना डरे जहरीले सांप को पकड़ लिया और घर से दूर छोड़ा है। गुजरात के कांग्रेस नेता परेश धनानी के बंगले से एक सांप निकल आया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस नेता सांप की पूंछ पकड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस क्लिप को तेजी से शेयर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह जब परेश धनानी लॉन में टहल रहे थे तभी उनकी नजर सांप पर पड़ी, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने सांप को पूंछ की ओर से पकड़ा और अपने लॉन के बाहर लाए। परेश धनानी को प्राकृतिक से बेहद प्यार है, वो सांपों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। वो जहरीले सांपों को देखकर डरते नहीं हैं। परेश ने बताया कि उनका बंगला साबरमती के किनारे है। सुबह जब वह उठे तो देखा कि उनके यहाँ का स्टाफ डरा हुआ है। उन लोगों ने उन्हें बताया कि लॉन में सांप है। परेश ने उन लोगों से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। धनानी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि यह रसेल का सांप है जो अपना रास्ता खो गया और मेरे घर आया। ये वीडियो धनानी के किसी कर्मचारी ने बनाया है। धनानी के मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि सांप को पकड़ने के बाद उसे दूर छुड़वा दिया गया, लेकिन फिर भी उनके बंगले पर काम करने वाले कर्मचारी बंगले में जाने से डर रहे हैं। बता दें कि परेश धनानी मिल रूप से गुजरात के सौराष्ट्र के रहने वाले हैं। धनानी को जहरीला सांप पकड़ते कर्मचारी भी हैरान हैं।